हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना की लाइफ में। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे इस न्यू ब्लॉग में आप सभी लोग का स्वागत है। मेरा ये जो ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा दिन बाद आ रहा है, क्योंकि ब्लॉग ही नहीं मैं बना पा रही थी। थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है मेरी, क्योंकि ये छोटा बेबी है, इसको 24 घंटे केयरफुली देखना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा गिरता है, एक दो बार गिर चुका है बहुत भयंकर तरीके से। आज भी सुबह में गिरा था, सोया था तभी, तो इस वजह से मैं सबसे ज़्यादा इसी पे फोकस है इस समय। और अभी शाम हो गया है, शाम से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग आए हैं अपने खेतों में, मैं, लड्डू और छोटा बेबी। हाय बोलो दोस्तों को, बेबी बोलो। आप लोग कैसे हैं? तो मैं अपने खेत में आया हूँ। लड्डू कह रहा है ये देखो दोस्तों, ये सारा पौधा है, प्याज के पौधे को दिखा रहा है। इधर हम लोग प्याज वो रखे हैं, और अभी कुछ नहीं, अभी बस मक्का का है तो अभी हो रहा है, धनिया वगैरह जम रहा है। ये पहले का धनिया था तो ये फूल पकड़ चुका है, इसमें धनिया का बीज लगने वाला है। अभी ये वाला धनिया छोटा छोटा है, ये हाल ही में बोया गया है, मतलब 1 महीने पहले ही, मतलब 1 महीना लग, 1 महीना हो गया। इसमें मक्का है छोटा छोटा, और इस तरीके से दिख रहा है। आपको बैक कैमरा दिखाते हैं अपने खेतों का व्यू। तो फ्रेंड्स, इस तरह का है इवनिंग का कुछ नज़ारा हमारे गांव की तरफ का, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस समय तो धूप इतना ज़्यादा हो रहा है, हवा भी चल रहा है, तो दिन का मौसम सही नहीं लगता, बट इस समय हवा बंद है और हल्का धूप है, मतलब सूर्यास्त होने वाला है। और ये है बादल का कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है, ये पता नहीं क्या गया है, एकदम लाइन सा दिख रहा है थोड़ा सा इसे। और ये है हमारा खेत, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लगा रखे हैं। इसमें बोड़ो बोला जाता है, वो है बोड़ो, भी बोड़ो का पौधा इतना छोटा छोटा निकला हुआ है। और इसमें हम लोग चना बोए थे, चना खा ही नहीं पाए, अब ये सूख गया इसी में, तब इसको निकालना पड़ेगा खेत में से। और लहसुन भी हो गया है, प्याज में घास हो गया, इसको साफ करना है। और एक हमारा यहाँ केला फर्रा हुआ है, अभी निकल रहा है। फ्रेंड्स, ऐसा है कुछ आज का नज़ारा। तो अभी हम चल रहे हैं, जब लड्डू था ना तो उसको भी ऐसी पकड़ के और वीडियो बनाती थी, और अभी ये छोटा बेबी की बारी है। हम लोग झूले पे बैठे थे, झूला झूल रहे थे तभी से। आओ बेटा, यहीं पे हूँ, कर लो। इतना कौन खिलाते है छोटा बेबी? भैया कितना खिला रहे तुमको? थोड़ा आराम आराम से, आराम से। पैर में बहुत दर्द है बेटा, दवा। तुम्हारे पास पैसा है दवा लाने के लिए? ठीक है, तो पहले पैर दबा दो, तब जाना दवा लाने। चिरकुट
घर में क्यों भगा रहे थे? भगाने के लिए कह रहा। तब किसको भगाने के लिए कह रहे थे? पापा को। पापा क्या किए हैं? किकी खेल रहे हैं। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, नवरात्रि का समय चल रहा है और हमारी सुबह की पूजा हो चुकी है और इनका भी हो चुका है। मैं पूजा करती हूँ तो ये गोद में ही रहते हैं, ये और नवरात्रि की साफ सफाई भी साथ साथ चल रही है क्योंकि अष्टमी को है रामनवमी, तो अष्टमी मंगलवार को पड़ रहा है। ये इसको मैं लेके चल रही हूँ झूला पे, झूला झूला के इसको मैं सुलाऊंगी क्योंकि ये हो गया है बहुत ही ज्यादा परेशान। तो फ्रेंड्स, अभी मतलब हमारे घर में थोड़ा बहुत दिक्कतें चल रही थी, मतलब बारी बारी से सबको माता जी निकल रही हैं। पहले लड्डू को निकली थी, उसके बाद से मुझे, उसके बाद से अब इनको और इनके पापा को। तो मतलब हम लोग लगातार मतलब चारों लोग दो दो करके ऐसे भरे पड़े थे। बहुत सारी बहुत झेलना पड़ता है इसमें। तो अभी तो वही चल रहा है, अभी इनका है छोटा बेबी के अभी हाथ पैर में है थोड़ा बहुत, और इसके पापा का भी ऐसे ही था। झूला भी इनको ला दी हूँ और झूला 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 के इनको सुलाऊंगी मैं। किकी, हाय किकी, इधर देखो ना, इनको झूला 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 के सुलाती हूँ मैं हमेशा। जब भी सोने का इनको टाइम होता है ना तो झूले पे लाती हूँ, ये झूला झूलते झूलते सो जाते हैं। लड्डू छोटा लड्डू हम लोग इनको बोलते हैं, ऐसे किकी किकी बोलते हैं। ये ना पेट में रहता था ना तो बहुत किक मारता था, इसलिए इसका नाम किकी रख दिया है। मतलब ऐसे ही बुलाने के लिए किकी किकी बोलता है, अच्छा लगता है इसके पेट, किकी नाम सूट करता है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहेगा। आजकल मेरा ब्लॉग आ ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा क्योंकि मतलब जिम्मेदारियाँ बहुत सारी मेरी बढ़ गई हैं इस छोटे बेबी के आने के बाद से, तो टाइम नहीं मिल पाता है जिस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब हफ्ते में एक दो ब्लॉग तो डाल ही दूँ, बट अब से सोच रही हूँ, देखती हूँ अगर मतलब टाइम निकाल के इसी में से मैं ब्लॉग करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है कि मतलब वीडियो को मेरी शेयर कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब देखेंगे। क्योंकि ना अगर व्यूज़ वगैरह आता है ना तो थोड़ा मन भी अंदर से मतलब करता है ब्लॉग करने के लिए, जब व्यूज़ नहीं आता तो मन टूट जाता है। तो मेरा मनोबल आप लोग के हाथों में, आप लोग मतलब वीडियो शेयर करेंगे व्यूज़ आएगा तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन रहेगा, तो मैं कोशिश करूँगी अच्छा से ब्लॉग लाने के लिए। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, बस इतना ही बोलना था। तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, कुछ ना कुछ मैं दिखाती रहती हूँ, मतलब आगे भी कंटिन्यू रहिएगा ब्लॉग में।